दोस्तों नमस्कार, मैं विकास जांगड़ा। असली खबर पर आपका स्वागत है। आज की असली खबर हम ले रहे हैं सचिवालय में। सचिवालय में कुछ लोग इकट्ठा होकर आए हैं, एसपी साहब से इन्होंने मुलाकात करी। कौन ये लोग हैं, क्या इनकी समस्या है, आइए इन्हीं से जानते हैं। जी आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम मामू राम है, गाँव सीवन है, डिस्ट्रिक्ट कैथल। अच्छा, आप आज जिलाधीश जी से मिले, एसपी साहब से मिले, क्या समस्या है आपकी? जी हमारी समस्या ये है कि हमारे पास जो साधन है हम उसका टैक्स भरते हैं, लेकिन हमारे पास उसकी काम की कमी है। अच्छा, साधन क्या है, आप काम है पूरा बताएं ना दर्शकों। हमारे पास टाटा एस है जी, टाटा एस है, लोडिंग गाड़ियाँ छोटा वगैरह। हाँ जी हाँ जी। लेकिन जो हमारा जो काम है वो सारा काम खत्म होता जा रहा है, क्योंकि हम टैक्स बुक दे रहे हैं, खड़ी गाड़ियों के भी टैक्स दिए जा रहे हैं हमारी तरफ से तो। लेकिन जो ये थ्री व्हीलर है, जो गाड़ू छोड़ते हैं रिक्शा वाले, ये कोई किसी प्रकार का सरकार को टैक्स का भुगतान नहीं कर रहे हैं। और दूसरा दुर्घटना का कारण भी है ये, और ये कम से कम रेट में चलते हैं, और इन्हीं की वजह से सारा हमारा रोजगार ठप हो चुका है। आप ये तीन पहिए वाली की बात कर रहे हैं, कौन सी? मोटरसाइकिल की गाड़ी है, जो मोटरसाइकिल जो मोटरसाइकिल के पीछे जो है एक स्ट्रक्चर बना के बॉडी लगा के एक अलग तरीके का व्हीकल तैयार किया जाए, उसको जुगाड़ हरियाणा में देसी भाषा में कहा जाता है, उसकी आप बात कर रहे हैं? जी सर। अच्छा, तो वो किस तरीके से आपके रोजगार पर चोट मार रहे हैं? ऐसा है सर, वो ना कोई टैक्स देते हैं ना कोई कुछ देते हैं। अगर हमारा 500 रुपये का चक्कर है तो वो 200 रुपये में चले जाते हैं, इसलिए हमारे काम का लॉस होता जा रहा है। आप भी इन्हीं के साथ हैं जी? हाँ जी। अपना नाम? ज्ञानी राम। ज्ञानी राम जी, जो ये कह रहे हैं ये बात सही है? बहुत सही है जी। हम तो तंग हो गए जी, टैक्स भी भरे हैं और किस्त भी आ जाए हमारी टाटा से गड्डी हमारे पे, हम टैक्स भी भरे हैं, सारा कुछ वो फ्री में ले जाए ना, उनका कोई कागज है और चोरी गड्डियाँ वहाँ सारी जो चोरी। हाँ जी ठीक है, ज़्यादातर गड्डियाँ चोरी हुई। हम किस्त भी नहीं भर ना पाते, लॉकडाउन की वजह से वैसे ही काम का। हाँ, पहले लॉकडाउन के उसमें काम नहीं है, कुछ यही ना तंग कर लिए, ये हमारी गाड़ी पकड़ के ले जाएंगे जी, कहाँ से भरे किस्त? हम टैक्स भी भरे हैं, किस्त भी भरे हैं, सारे रोड टैक्स सारा भरे हैं हम। ठीक है, ठीक है। आप जी, आप भी साथी हैं? हाँ जी, हम भी साथी हैं। संजीव कुमार है जी। संजीव जी, जो ये कह रहे हैं रोड टैक्स भी भरा जा रहा है और काम भी कम है, देखो जी हम सीवन से, हमारे पास लोडिंग गड्डी है टाटा एस, सारे हम टाटा एस वाले हैं। ये जो तीन पहिया वाली रिक्शा ना, 7-7, 8-8, 10-10, 12-12 क्विंटल वजन, 20-20 फुट की लेंथ, जिससे दुर्घटना का कारण भी बन रहा है, और हमारे पास काम नहीं है। हम सुबह से शाम तक बेले बैठ के स्टैंड पे घर चले जाते हैं, वो 10-10, 12-12 चक्कर लगाते हैं। इसी वजह से हमारी प्रार्थना है भाई ये रिक्शा का इसके बारे में कुछ करा जाए। ठीक है, ठीक है। आप जी, अपना नाम? सतीश कुमार है जी। अच्छा सतीश जी, आप क्या चाह रहे हैं फिर, प्रशासन क्या करे इन रिक्शा के बारे में? रिक्शा के बारे हम प्रशासन से जी ये कहना चाहते हैं कि यार जो जुगाड़ है तीन पहियों वाली रेहड़ी का जुगाड़ है, ये बंद होना चाहिए जी। हमारे पास टाटा एस गाड़ियाँ हैं, हरियाणा सरकार को टैक्स पे कर रहे हैं और हमारे को काम नहीं मिलता, गाड़ी हमारी किस्तों वाली हैं, इसलिए हम इनसे परेशान हैं जी। और इस मोदी सरकार कभी भी इनके बारे में कुछ सोचती नहीं, हमारे बारे में, हमारे पास डॉक्यूमेंट भी हैं और हमारे चलान भी करते हैं, और जो ये रिक्शा जुगाड़ है इनके बारे में कुछ नहीं करते ये। तो इस बारे में तो मतलब सरकार से ज़्यादा पहले तो पुलिस वालों को है ना जिम्मेदारी, ट्रैफिक पुलिस की? ट्रैफिक पुलिस भी इनको कुछ नहीं कहती सर, ट्रैफिक पुलिस भी गाड़ी वालियों और गाड़ी को रोकती है और इनको कुछ नहीं कहते, इनके आगे से निकल जाते हैं, इनको कुछ नहीं बोलते वो। आपको क्या लगे ट्रैफिक पुलिस क्यों नहीं कहती फिर इनको? ट्रैफिक पुलिस कुछ नहीं कहती जी, हम उनको बोलते भी हैं भी ये जुगाड़ बंद किया जाए, पर पुलिस वाले कहते हैं आप भी बेच के ये ले लो। अच्छा हाँ, ये जुगाड़ बना लो आप भी। ये आप सीवन की बात कर रहे हैं? हाँ जी हाँ जी, सीवन की। सीवन में जो ट्रैफिक पुलिस है वो आपको ऐसे कह रहे हैं कि अपना चार पहिया साधन बेच के जुगाड़ ले लो? हाँ जी, पुलिस वाले ऐसे ही कहते हैं। आप और कोई बात करेंगे सर? अच्छा हाँ जी, आप अपना नाम? तो मेरा जी नरेश वंश है जी, मैं सीवन से बोल रहा हूँ। नरेश जी, आप भी यही काम करते हैं? मेरे पास भी गाड़ी है जी, टाटा एस गाड़ी है जी। मैं ये चाहता हूँ जी, ये जो ई रिक्शा चलाई है सरकार ने, सवारी के लिए चलाई है, व्हीकल जो भी चलाए, उसके अंदर परमिशन रखी है उन्होंने, कंडीशन रखी है कि भी एक सवारी चलेगी या दो सवारी चलेगी या चार चलेगी, कितनी भी चलेगी। तो ये जो मोटरसाइकिल के पीछे जो लोडिंग रिक्शा बनाई है, इसके लिए कोई प्रावधान या कोई समाधान कुछ भी नहीं है इन्होंने, कोई भी कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं इनका, कोई कुछ नहीं। हालांकि जो आगे रिक्शा लगाई हुई है, मोटर व्हीकल लगाया हुआ है, उसके भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है उनके पास। कोई दुर्घटना हो जाती है या कुछ भी हो जाती है, कौन जिम्मेवार है? सही बात, कोई भी जिम्मेवार नहीं है। बाद में इंक्वायरियाँ होती हैं, जो कागज वाली गाड़ियाँ होती हैं उनसे पूछते हैं, वो बेचारे क्या बताएंगे इस बारे में, कुछ नहीं बताएंगे। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ जी, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इनको बंद कराया जाए। हम टैक्स पे करते हैं जी, सब कुछ करते हैं, हर चीज़ के हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, इनके पास क्या कुछ भी नहीं है।
या इनको इनसे भी इनके ऊपर भी टैक्स लागू किया जाए, नियमों में लाया जाए इनको भी। जैसे कि ई रिक्शा है, उसके पास कोई प्लेट नहीं है, कोई नंबर नहीं है, फिर भी वो रिकॉर्ड के अंदर है सरकार के, ये किसी रिकॉर्ड के अंदर नहीं है। नहीं तो हमारा भी टैक्स माफ़ किया जाए, नहीं तो आपका भी टैक्स। हाँ जी, हाँ जी, हाँ ये बात है। और जी आप कुछ हो? बस सर हमें तो यही है भाई, ये जो जुगाड़ रेडी है ये बंद होनी चाहिए। हमारी हरियाणा सरकार से अपील है, हम यही हाथ जोड़कर हमारी विनती है कि ये जुगाड़ बंद होने चाहिए। और हम बहुत परेशान हैं जी, किस्त हम भर नहीं सकते गाड़ियों की, टैक्स नहीं हम भर सकते। अभी एसपी साहब से मिलके आए हैं जी हम, तो एसपी साहब ने कहा, एसपी साहब ने क्या कुछ आश्वासन दिया, कुछ कहा इस बारे में? एसपी साहब ने भी यही कहा भाई आपका शाम तक काम हो जाएगा, तो रेडी आपकी बंद हो जाएंगी सारी। ठीक है सर, धन्यवाद। तो दोस्तों ये सीवन से कमर्शियल व्हीकल चालक थे जिनके पास लोडिंग गाड़ियां हैं। इनको परेशानी ये आ रही है कि जो तिपहिया वाहन चालक है, ये तिपहिया वैसा तिपहिया नहीं है जैसा कि बना बनाया था कंपनी से, ये मोटरसाइकिल के पीछे एक तरीके का जुगाड़ बनाया जाता है जिससे आप लोडिंग का काम कर सकते हैं। वो लोग इनसे कम रेट में सामान लेके जाते हैं, इनसे कम रेट में इनकी एक किस्म से रोजी रोटी पर संकट बने हुए हैं। आप भी चाहते हैं आप पास ऐसी असली खबरें आती रहें, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, और स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर आप हमें खबर भी दे सकते हैं। धन्यवाद।